मेनपुरी में पुलिस ने कुछ ही दिन में खुलासा कर किया भांडाफोड़। बिजली के गोदाम में डकैती डालकर दो बंदूक एक राइफल पर सामान लूटकर ले जाने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 16 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। पकड़े गए बदमाशों का बड़ा आपराधिक इतिहास है। राजस्थान के अलवर के ये बदमाश रहने वाले हैं। बीती 6 जनवरी को थाना दन्नाहार के लालपुर गाँव के निकट बिजली गोदाम से 4 प्राइवेट सुरक्षा गार्डों को घायल करके ये बदमाश 2 बंदूक एक राइफल पर बिजली का सामान लूट कर ले गए थे। पुलिस की कई टीम इन बदमाशों को पकड़ने के लिए लगाई गई थी। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 16 बदमाशों को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने लूटे गए 3 असलाह व 2 ट्रक में भरा हुआ सामान बरामद किया है एवं 1 कार बरामद की है। गिरफ्तार सभी बदमाशों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। धन्यवाद। पुलिस ने किया है, क्या पूरा मामला है? देखिए 5/6 जनवरी की रात में आप लोग को याद होगा कि एक घटना हुई थी जिसमें एक इलेक्ट्रिकल कंपनी का UPPTCL का रेंटेड गोडाउन है जिसमें कि 4 गार्डों को बंधक बनाकर उनके 3 लाइसेंसी असलहे ले जाने की बात थी एवं अरे आशीष भाई अन्य भी बातें थी कि उनका सामान गया है। इसमें जो CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई थी और 4थी टीम दन्नाहार पुलिस की लगी हुई थी। इसमें कुछ वाइटल क्लूज हमें CCTV फुटेज के माध्यम से मिले थे। इसी कारण जनपदीय पुलिस एक CCTV जो गांव के बाहर इत्यादि की जगहें हैं वहां पर CCTV लगवाने का अभियान भी चला रहे हैं। इसीलिए जो वाइटल क्लूज मिले और उसके आधार पर इस गाड़ी का रूट ट्रेस किया गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और कुछ मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से और कुछ पुरानी घटनाओं का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस था उसके हिसाब से जब मैच किया गया तो एक गैंग वर्कआउट हुआ जिसका विस्तार अलवर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। उस गैंग को जब वर्कआउट किया गया और उस पर जब काम किया गया तो इनके द्वारा 2 घटनाएं करना कबूल किया गया है, एक ये है और एक पहले की है। उसके अलावा भी जहां जहां इनकी लोकेशन रही है वहां के आधार पर घटनाएं पता करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें टोटल रिकवरी जो 3 असलहे गए थे और जो गाड़ी घटना में शामिल थी और जो छोटी गाड़ी जिससे कि गैंग लीडर्स आए थे और एक कैंटर जो इस गैंग के पास था और जो सामान गया था लगभग 10 लाख रुपये का, वो सारा रिकवर किया गया है। 16 मुलजिम अभी गिरफ्तार किए गए हैं और 3 मुलजिम अभी गिरफ्तार किए जाने बाकी हैं। जो 3 मुलजिम हैं उसमें से 2 मुलजिम मुख्य बताए जा रहे हैं, उन पर इनाम घोषित किया जाएगा और जो भी आवश्यक सख्त से सख्त विधि कार्रवाई की है हो सकती है वो की जाएगी। वही सर, स्थानीय अगर बात करें तो इन जो डकैतों का गैंग था कौन, इसमें इनकी